हेलो गाइस, कैच हिंदी के लिए मैं हूँ स्नीता अधिकारी। तो अभी तक आपको गुड न्यूज तो मिल ही गई होगी। अरे बाबा, वो वाली गुड न्यूज नहीं, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ वाली जो फिल्म है गुड न्यूज, वो 27 दिसंबर को रिलीज हो रही है। ये तो आपको पता ही होगा। और अक्षय कुमार की ये इस साल की चौथी फिल्म है। इस साल का उनका जो कोटा है 4 फिल्में करने का, वो इस फिल्म से पूरा हो जाएगा। और गजब की बात ये है कि इस साल उनकी 2 फिल्में कॉमेडी फिल्म हैं। देशभक्ति की फिल्मों से थोड़ा सा ध्यान हटाकर उन्होंने इस साल कॉमेडी फिल्म्स में भी अपना ध्यान लगाया है। तो गुड न्यूज़ का जो ट्रेलर है, उसे ऑडियंस ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। साथ ही जो उसका कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का, जो स्टोरी लाइन है, वो बाकी फिल्मों से बहुत हटके है। फिल्म की जो कहानी है वो 2 कपल्स के बीच में है। पहला कपल अक्षय कुमार और करीना कपूर का है और दूसरा जो कपल है वो है कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ। अक्षय कुमार और करीना कपूर को हाई क्लास का कपल दिखाया गया, तो वहीं जो कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या कुछ सामने आपके कॉमेडी निकल के आती है, वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। दोनों जो कपल है उनको जब बच्चा नहीं होता है तो वो IVF का सहारा लेते हैं, लेकिन इसमें हो जाती है एक बहुत बड़ी गड़बड़ी और जो दोनों के बच्चे होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और जब बच्चे एक्सचेंज होते हैं तो पूरी जो फिल्म है इसी पर दिखाई गई है और इसमें आपको कॉमेडी ही कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो जो गुड न्यूज़ की कहानी है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना, वो ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों को कभी कभी बहुत बड़ा झटका दे देती हैं। तो मैं गुड न्यूज़ की टीम को ऑल द बेस्ट ज़रूर कहूँगी। तो ये पूरी फिल्म प्रेगनेंसी के ऊपर बेस्ड है, इसमें आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, लेकिन अक्षय कुमार इस फिल्म में है जो कि अपनी ऑडियंस को अपनी फिल्मों के जरिए एक लेसन भी देते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म को देखने के बाद हमें आपको क्या सीख मिलती है। बात करें एक्टर्स की, तो अक्षय कुमार और दिलजीत की जो जोड़ी है वो आपको काफ़ी हंसाने वाली है, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। वहीं करीना कपूर जो हमारी बेबो है वो काफ़ी फ्रेश एंड हॉट लग रही हैं। वहीं कियारा आडवाणी जो कि कबीर सिंह में सिर्फ शोपीस बन के रह गई थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म में कुछ बोलें, हंसाएं, एक्टिंग करें, मतलब कुछ करें, लेकिन शोपीस बन के ना रहे। तो गुड न्यूज़ को डायरेक्ट किया राज मेहता ने और इसे प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। तो ये फिल्म हमें कितना हंसा पाती है, कितना कुछ सिखा पाती है, ये मैं आपको बताऊंगी 27 दिसंबर को, जब मैं लेके आऊंगी गुड न्यूज़ का रिव्यू। तो जुड़े रहिए कैच हिंदी के साथ, साथ ही इसके सारे सोशल मीडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको इसी फ्राइडे।